हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मोनिका सिंधुजान में। आज सैटरडे है, बच्चों की छुट्टी है, तो आज सोचा कि कुछ अच्छा सा बनाया जाए। इसके लिए मैंने एक छोटी कटोरी ली है सूजी, और 2 चम्मच उसमें मैंने डाला है आटा, और 1 चम्मच बेसन, जीरा, अजवाइन और हल्का सा नमक। हल्का डालना है नमक ताकि हमारा जो डो है अच्छे से सॉफ्ट भुन जाए। और 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें डाली है चीनी, इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है। आज मैं बना रही हूँ सूजी की कचौड़ी गर्मा गर्म, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल मुँह पर जाते ही घूमने लग जाते हैं, सॉफ्ट बनती है। और इनको हाथों से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक गुनगुने पानी से हम उसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। और हल्के गुनगुने पानी से मैं अच्छा सा डो तैयार कर लूँगी, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट, क्योंकि हमें कचौड़ी बनानी है। तो कचौड़ी के लिए बिल्कुल जैसे हम पराठे के लिए बिल्कुल सॉफ्ट लगाते हैं, तो कचौड़ी के लिए वैसा आटा नहीं लगाना है, वैसा डो तैयार नहीं करना है। उससे थोड़ा सा हमें और वैसा गूंदना है कि वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। इस तरीके का ये देखिए, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है। और अब इसको हम 10 मिनट तक रेस्ट पे रख देंगे, तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए 2 बॉइल्ड आलू लिए हैं मैंने। इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज कट करके मैं यहीं पर डाल दूँगी, बारीक कट कर लिया है, और कुछ लहसुन की कलियाँ जिसको चॉप कर लिया है इस तरीके से रखी। और यहीं पर स्पाइसेस ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी, धनिया, चाट मसाला, 1 चुटकी गरम मसाला। और इस नमक आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि आटे में भी डाला था, ज़्यादा ना हो जाए फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और यहीं पर कुछ हरा धनिया के पत्ते हमने काट के डाल देंगे इस तरीके से। इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और हमारी स्टफिंग कचौड़ी की बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाती है। और वीकेंड है, और दिन तो ये है कि मतलब आराम से, वीकेंड में तो आराम से उठा जाता है, आराम से जो मन करे बनाओ। तो सोचा आज ये बना लें, मेरी बेटी को पराठे, पूरी, कचौड़ी, इस तरीके की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सोचा आज घर पे भी है तो तसल्ली से अच्छे से खाइए, वरना भागा दौड़ी में स्कूल जाना, खाना, वो चीज़ हो जाती है। तो आज सैटरडे, तो इस तरीके से मैं सोचा आज मैं सूजी की कचौड़ी बनाती हूँ। और यही मैंने सारी लोई को इस तरीके से गोल कर लिया, और उनमें आटा, आलू भर के इस तरीके से बंद कर लिया है। और यहीं पर मैं एक करके सारी अपने कचौड़ी को हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप जो तेल खाते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से एक करके देखिए फूल में लगी, इस तरीके से आपको सारी कचौड़ी तल लेनी है, ना ज़्यादा गर्म तेल होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा, ठीक ठीक। और इस तरीके से बेल के हमने सारी अपनी कचौड़ी तैयार कर ली है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है अपनी कचौड़ियों को। जिस तरीके से जब एक तरफ से फ्राई हो जाए, उसको पलट के दूसरी तरफ से फ्राई कर लीजिए। और ये हमारा कचौड़ी सूजी की गर्मा गर्म कचौड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यकीन मानिए इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के। और ये देखिए, ये थी कचौड़ी हमारी सूजी की, जिसमें थी दही, सॉस, आप हरी चटनी भी खा सकते हैं। और ये बेटा बनाना शेक, ये था हमारा आज का ब्रेकफास्ट।